अगर आप आईपीएल का मैच देखना चाहते हैं तो आपको सबसे सस्ते दामों में टिकट मिलनी शुरू हो गई है। अभी आप 400 रुपये में, कम से कम 400 रुपये का पेमेंट करके, और आप एक आईपीएल की मैच देख सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस आईपीएल 2024 में अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हैं क्रिकेट स्टेडियम में जाके, तो सबसे जो मिनिमम टिकट की जो कॉस्ट है वो 400 रुपये है। प्यारे दोस्तों, क्रिकेट सर्जरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अब जबकि आईपीएल शुरू होने वाला है, ऐसे में दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आईपीएल के टिकट हम कहाँ से खरीदें, कितने में खरीदें। अगर आप ये सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, आपको इसमें सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ आपको आईपीएल टिकट संबंधित पूरी जानकारी हम प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आईपीएल टिकट के बारे में बताई जाएगी कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन तरीकों से कैसे आईपीएल के टिकट को ख़रीदना है, कैसे बुक करना है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पूरे एक प्रोसेस के बारे में कि किस किस माध्यम से आप आईपीएल के टिकट खरीद सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेके आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप बुक माई शो से अपना टिकट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, बुक माई शो की वेबसाइट पे। उस पर आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। अगर पहले से आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको साइनअप करना होगा। फिर आपको जाना होगा स्पोर्ट्स टैब पर और क्लिक करना होगा आईपीएल 2024 कमिंग सून लिखा होगा वहाँ पर। फिर उसमें आप अपने मैच को चुन सकते हैं जो आप मैच देखना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से आप स्टैंड्स करेंगे, फिर चुके आप चुनेंगे अपने सीट्स को और सीट्स की संख्या को कंफर्म करेंगे, जैसे एक एक टिकट चाहिए, दो टिकट चाहिए, तो उसको कंफर्म करेंगे। और आगे बढ़ने के लिए चेकआउट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से पेमेंट को क्लियर करेंगे, यानी पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद से आपका जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको SMS और ईमेल के जरिए आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा, उस टिकट को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट नहीं भी लेना चाहें तो स्टेडियम में जाके, स्टेडियम का जो काउंटर होता है, टिकट काउंटर, वहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हैं। तो ये तो रही आपको ऑनलाइन टिकट खरीदने का ऑप्शन। ऑनलाइन टिकट खरीदने के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वर्ष आईपीएल के मैचेस का एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और इस साल भी वैसे ही मनाया जाएगा। मालूम नहीं पड़ता है कि टाइम कैसे निकल जाता है, लेकिन टिकट खरीदने वक्त काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि हर कोई सही समय से टिकट खरीदने के लिए एकदम उत्सुक रहता है। ऐसे में आईपीएल टिकट खरीदने के लिए स्टेडियम में स्थित जो काउंटर होता है उसको हम सहारा ले सकते हैं। वैसे ऑनलाइन टिकट ही खरीदना ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ जो स्टेडियम्स हैं उनके जो टिकट हैं सस्ते और महंगे कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जो स्टेडियम्स की जो क्षमता होती है ना, स्टेडियम के सीट्स की क्षमता, अगर ज़्यादा स्टेडियम की क्षमता ज़्यादा है तो वहाँ पर टिकट की जो रेट होते हैं वो सस्ते होते हैं, सस्ती टिकट मिलती है। जहाँ स्टेडियम की क्षमता कम होती है वहाँ जो टिकट के रेट होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको हम उदाहरण के लिए बता दें कि ये हैदराबाद का जो ऊपर स्टेडियम है वहाँ पे आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। ईडन गार्डन कोलकाता का स्टेडियम है, वहाँ भी आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। जैसे जयपुर है सवाई मानसिंह स्टेडियम, वहाँ पे आपको टिकट सस्ती मिल सकती है। अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली का, वहाँ पे भी टिकट आपको सस्ती मिल सकती है। जो छोटे जो बड़े स्टेडियम है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे टिकट आपको सस्ती मिल सकती है, जो छोटे स्टेडियम है वहाँ पे टिकट महंगी मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से कैसे अपना आईपीएल का टिकट ले सकते हैं। जो सबसे कम कीमत टिकट का है वो 400 रुपये शुरू हो रहा है और लाखों में टिकट बिकते हैं। दोस्तों, आईपीएल शुरू ही होने वाला है, उस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आईपीएल शुरू होते ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।